हसन पवर गोट में सड़क का कुछ हिस्सा तामीर किया गया है और ये सड़क यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और फिर आगे कच्चा रास्ता है। हमारी मालूमात के मुताबिक यहाँ के लिए बजट मंजूर हुआ था कि सड़क मुकम्मल तामीर की जाएगी, लेकिन जाने क्यों आधा काम करके छोड़ दिया जाता है। बजट भी मंजूर होते हैं, ठेके भी दिए जाते हैं, ठेकेदार काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ तक ये सड़क बना दी गई और आगे फिर छोड़ दी गई है, मुकम्मल नहीं की गई। मेरे बिल्कुल सामने इस इलाके का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकामी दफ्तर है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनान हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इनसे सवाल करें कि यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और गवर्नमेंट भी रूलिंग पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आखिर क्यों इन्हीं के हलके में ये सूरत हाल है। क्या नाम है आपका? अब्दुलरशीद पवार। अब्दुलरशीद पवार, पवार हम लोग इस वक्त हसन पवर गोट में मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बिल्कुल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी दफ्तर में हम मौजूद हैं, बिल्कुल इसके सामने एक सड़क दिखाई देती है जो किसी हद तक उस पर काम हुआ है और फिर वो काम नामुकम्मल छोड़ दिया गया है, आप भी देख रहे हैं बिल्कुल सामने। जी बिल्कुल देख रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? आप ही के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप ही की गवर्नमेंट है, आप ही का गोट है, फिर यहाँ पर काम ना होना क्या वजह है इसकी? बस इसका यही है कि न तो हमारे पास जब से इलेक्शन हुए हैं फिर आए न चक्कर लगाए, तरक्याती काम भी रोड का भी आधे पे ही छोड़ के चले गए, आगे नहीं किया काम। तो क्यों इसके लिए क्या बजट मंजूर नहीं हुआ था? हमारी तरह के मुताबिक तो बजट मंजूर हुआ था। नहीं, वो यही कह रहे हैं कि भाई बजट तो मंजूर हुआ था, काम आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं, ऐसे ही समझो। अच्छा, बजट भी मंजूर किया गया है, मुकम्मल भी है, जितने में ये सड़क मुकम्मल की जा सकती है? सड़क क्या मैं बोलता हूँ, इतनी और भी सड़क बन सकती है मगर काम नहीं कर रहे ये लोग। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह क्या है इसकी, क्यों नहीं काम कर रहे हैं? बस ये तो वही बता सकते हैं कि भाई तो क्या हसन पवर गोट के लोगों ने वोट नहीं दिया था क्या? वोट बिल्कुल यहाँ किसे दिया था? वोट यहाँ पे हम लोगों ने पीपल्स पार्टी को ही दिया था। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो गवर्नमेंट में मौजूद है। जी बिल्कुल, हम भी पीपल्स पार्टी के हैं, आप देख रहे हो ये सारे जो हैं तस्वीरें वगैरह लगी हुई है, अभी भी हम लोग पीपल्स पार्टी के हैं, भले काम करें या नहीं करें। देखिए ये तो वही बात होगी, काम नहीं हो रहा, आप जब भी आप यही नारा लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की रिहायशी वो तो काम मांगते हैं। यहाँ पर बिजली इस वक्त नहीं है, पीएमटी यहाँ का जल चुका है, ख़राब हो चुका है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, गर्मी की शिद्दत है। यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर है पीछे, जहाँ पर कम्युनिटी का कोई काम नहीं हो रहा, कोई नहीं, ठीक है। उससे पीछे मलिर नदी है जहाँ से पूरे कराची का पानी गुजर कर समंदर में गिरता है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रही है, वहाँ लैंड माफिया काबिज़ है। तो क्या होगा आखिर आप लोगों का? बस क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास यहाँ पे एक महीना हो गया लाइट नहीं है, एक महीने से लाइट आई ही नहीं है, ही नहीं, बिल्कुल बंद हो गई है। पीएमटी में कोई फॉल्ट हो गया है तो वो कह रहे हैं कि भाई केसी वालों से रब्ता किया, वो कह रहे हैं कि भाई हमें बिल दो, ये बिल भी दिखाया उनको। पहले तो हमारे गोट में काफ़ी तरक्याती काम हुए थे, मगर इस दौर में जो है ना, इस दौर में हमारे गोट को नज़रअंदाज कर दिया गया। MPA MNA वो भी हमारे हल्के के यहाँ से कामयाब होते थे, मगर इस दौर में बिल्कुल हमें नज़रअंदाज किया, क्योंकि रोड रास्ते हमारे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनी हुई है मगर रोड रास्ते न होने की वजह से काफ़ी हमें तकलीफ़ हो रही है। PMT का नाम निशान, जैसे हम पैदा हुए हैं आज तक हमने PMT का नाम निशान नहीं देखा। नहीं तो PMT तो मौजूद है, वो तो बता रहे हैं PMT मौजूद है, वो ख़राब हो कॉलेज, वो कॉलेज वालों की तरफ से लगी हुई है, वोट वालों की तरफ से नहीं है, वोट के लिए नहीं है। अच्छा अच्छा, हमारे में ये बात भी आई कि जो कैदाबाद पर कॉलेज बनना था क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, उस कॉलेज के लिए भी जगह इसी गोट की जानिब से दी गई। हाँ, फिर वाले साहब ने यहाँ पे दिए थे 4 एकड़ ज़मीन, फिर कॉलेज यहाँ पे बना। अच्छा, कॉलेज तो बन गया है, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ इलाकों से तलबा तालीम के हसूल के लिए यहाँ पर आते हैं। हाँ, यहाँ पे आते हैं। तो बिजली नहीं है तो उनको परेशानी नहीं होती होगी? काफ़ी परेशानी होती है, उन्होंने वो एहतजाज भी किया है, मीडिया वाले भी आए, मगर किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी इस काम पर। ये डिग्री कॉलेज है? हाँ। क्या नाम, क्या डिग्री कॉलेज का? कॉलेज डिग्री साइंस कॉलेज है, डिग्री साइंस कॉलेज हसन पवर गोट। कैदाबाद में जो डिग्री कॉलेज बनना था वहाँ पर ज़मीन ना होने की वजह से हसन पवर में वो ज़मीन दी गई, तलबा मुख्तलिफ इलाकों से तालीम के हसूल के लिए यहाँ पर आते हैं, करीबी वो कॉलेज वाक़ है, लेकिन एक महीने से इस इलाके की बिजली गायब है। कॉलेज बना दिया गया लेकिन कॉलेज में भी बिजली नहीं है। एक बुज़ुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे बात करना चाहूँगा। कॉलेज में भी बिजली नहीं है, जो तरक्याती काम है कॉलेज के जो ठेकेदार है वो भी यहाँ पर आया था वडेरों के पास कि जी बिजली नहीं है तो हम जो काम कर रहे हैं कॉलेज का ठेका लिया, हम बिल्कुल तंग है कि लिहाजा हम कहीं से बिजली करके दे दो, मगर वडेरों ने बोला कि अब बिजली हम कहाँ से करके दे, हमारे घरों में भी नहीं है तो बिजली आपको कहाँ से करके दे दें। साजिल जोखे साहब ने 2 PMT मंजूर किए पर अभी तक नहीं आए, मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत में नहीं आ सकते हैं। तो क्यों, जब यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को आप वोट देते हैं और आप कह रहे हैं कि उन्होंने 2 PMT मंजूर करवा लिए हैं, तो फिर इस दौरे हुकूमत में बिजली क्यों नहीं आ सकती यहाँ पर? हमें हल्का तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, आप उन्हीं के वोटर्स हैं, दफ्तर भी पीपल्स पार्टी का है, हम बिल्कुल, हम पीपल्स पार्टी के मकामी दफ्तर में मौजूद हैं, आप लोग पुराने कारकुनान हैं, लेकिन हम तो ये सवाल करते हैं कि आखिर इस इलाके के लोगों के मसाइल कब हल होंगे? यहाँ पे जो है तकरीबन नाजम के सीट है, नाजम के सीट जितने वोट हैं इधर,
और हर साल जिताते आए हैं यहीं के गोट के आदमी पीपल्स पार्टी को, आइंदा भी जिंदगी भर पीपल्स पार्टी को वोट देंगे चाहे काम हो या ना हो, चाहे काम करे ना करे, मगर हमारी शिकायत है इसके साथ जी। यही अलमिया है हम सबका कि काम हो या ना हो, हम कहते हैं कि हम उसी को वोट देंगे जिसको हम चाहते हैं, चाहे वो काम करें या ना करें। सवाल ये है कि हम इस वक्त पीपल्स पार्टी के मकामी दफ्तर में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी है, ये सब पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर्स हैं, यहाँ काम नज़र नहीं आता जी। सही कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैं इन लोगों की ज़बानी ये सुन रहा हूँ कि जी काम हो या ना हो वोट हम उन्हीं को देंगे, ये कैसी नफ्सियात है? बस दुनिया जहालत के अंधेरे में है वो रहेगी जी। सही कह रहे हैं आप, जहालत के अंधेरे में दुनिया, बस ये पाकिस्तान हल क्या है इसी? हल कुछ भी नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का हल कुछ भी नहीं है। तो फिर जब हम अपने मसाइल के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, उनसे जिन्हें हम वोट देते हैं हम उनसे नहीं दरख्वास्त करेंगे कि हमने आपको वोट दिया था, हमें उस वोट का उसके बाद हमारे मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे, हमें जवाब चाहिए, तो हम तरक्की कैसे कर सकेंगे अगर ऐसा नहीं होगा? कब शऊर आएगा हम लोगों में? चेंजेस, न्यू गवर्नमेंट, कोई हल नहीं है इसके अलावा जी। ठीक है, बात समझदार लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी राय रखते हैं, लेकिन हैरत इस बात पर है कि लोगों का ये कहना है कि काम हो या ना हो वोट तो वो अपनी उसी तंजीम या उसी जमात को देंगे जिसे वो चाहते हैं, काम हो या ना हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं मलिर नदी में लैंड माफिया काबिज़ हो रही है, कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर कायम किया गया, वहाँ पर कोई भलाई का काम नहीं हो रहा, डिग्री कॉलेज बना दिया गया, पानी और बिजली से महरूम वहाँ पर तलबा इस शदीद गर्मी में आते हैं, जाने कैसे वो तालीम हासिल करते हैं। पीपल्स पार्टी के मकामी दफ्तर के सामने सड़क नामुकम्मल है, बजट मंजूर होते हैं काम नहीं होता, इन सब सवालों के जवाब हम लेना चाहेंगे यहाँ के मुंतखब MPA और मिनिस्टर बराए ज़कात ओशर साजिद जोखियो से। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। हसन पावर गोट के रिहायशियों की शिकायत लेकर हम पहुंचे हैं, वहाँ से मुंतखब MPA जिनकी जिम्मेदारी ज़कात ओशर और मजहबी उमूर की है, मिनिस्टर बराए ज़कात ओशर और मजहबी उमूर साजिद जोखियो। साजिद साहब, हसन पावर विलेज जहाँ से आपने वोट लिया वहाँ से मुंतखब हुए, उनकी ये शिकायत है कि कई दिन गुजर गए और वो बिजली से महरूम है, क्यों? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपकी मेहरबानी, क्योंकि आप लोगों के तवसुस से हमें भी पता चलता है, पूरे एरिया का पता चलता है। जिस तरीके से आपने बात की कि हसन पंवर के मैं स्कीम करवा चुका हूं बिजली की, जो इंशाल्लाह ताला अन करीब उनकी लाइट लगेगी, क्योंकि मैं एक बात करता चलूं कि मेरा जो हल्का इंतखाब है वो पूरी कराची देहात पर मुश्तमिल है, जो मैं समझता हूं कि लट बस्ती बिन कासम भी इसमें आता है और जाकर गड्डाप और कंडजंग मौजदान बलूचिस्तान का बॉर्डर तक ये पूरा एरिया है, जिसमें बिजली के प्रॉब्लम्स हैं, पानी के प्रॉब्लम्स हैं, या गैस के प्रॉब्लम्स हैं, या रोड्स के प्रॉब्लम्स हैं। हम तो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा हमारे यहाँ काम हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी तो हमारे कोई काम नहीं हुए, यहाँ पर अपोजिशन में जब 11 साल रहे हम यहाँ कोई काम नहीं हुए, तो यकीनन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है और हमारी कोशिश है कि हम हर जगह पर जाकर ये पानी प्रोवाइड करें, लाइट प्रोवाइड करें, गैस प्रोवाइड करें। KSC का मुतालबा ये है कि उनको शायद 1 करोड़ 60 लाख या कुछ उनका डिमांड है कि वो अदा कर दिए जाएंगे तो यहाँ की लाइट बहाल कर देगी। हम उसकी तकरीबन CM साहब से करवा चुके हैं, पेमेंट करवा चुके हैं और इंशाल्लाह ताला इसका अनकरीब काम स्टार्ट होगा। जो कि सब विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन फंड जिसके बारे में बताया जाता है कि 6 अरब रुपए सालाना होता है, तो जब ये फंड मिलता है दिया जाता है सालाना, तो उसके बावजूद भी बिजली का ना होना ये कुछ अजीब सी बात नहीं लगती आपको भी? नहीं, 6 अरब रुपये तो नहीं मिलते हैं, हर MPS को तकरीबन 1 करोड़ मिलता है गैस का, गैस के मद में मिलता है 1 करोड़ मिलता है बिजली के मद में सालाना, तो उसमें मैंने स्पेशल फंड हमारे ऑनरेबल CM साहब से मैंने लिए, जो मैं अभी तक कोई 27 करोड़ रुपए के काम करा चुका हूं अपने हल्का इंतखाब में। लाइट आपके पास उसकी दस्तावेजात सब कुछ मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, हर चीज़ बिल्कुल। आप समझते हैं कि तमाम काम शफाफ हुआ है? बिल्कुल शफाफ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक भी कर सकते हैं, हर जगह जा भी सकते हैं, हर जगह पर। यहाँ पर थोड़े प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं कि हमारे जितने भी गाँव वाले हैं वो मीटरों की पेमेंट कर नहीं सकते। कब तक उम्मीद रखी जाए कि इनका बिजली का मसला हल हो जाएगा? देखें, ये नहीं है कि बिजली अंदाजन का, ये नहीं है कि वहाँ पर बिजली नहीं है, जो मसला चल रहा है अब, जो कुछ दिनों से बिजली बंद है। हाँ जी, हाँ, अब आबादी बढ़ गई है
तो पोल्स की जरूरत है, ये इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि इस एक महीने दो महीने के अंदर अंदर में करवा, एक दो महीने में हल हो जाएगा। अच्छा, अभी जो वहाँ की बिजली बंद है ये कब तक बहाल हो जाएगी? देखिए, इसमें कुछ हमारी भी कोताहियाँ हैं, वहाँ पर हम बिल भी पेमेंट नहीं करते हैं। अब पीएमटी जो लगी हुई है, अगर पीएमटी अगर हम चलाते हैं तो उसकी उसका बिल तो कम से कम हम अदा करें। तो कह रहे हैं कि वो बिल देने के लिए तैयार है। नहीं, बिल दें तो मुझे ना दें ना, मैं नुमाइंदा थोड़ी बिल लूँगा, जाकर उसकी ऑफिस है, केसी की ऑफिस है, वहाँ जाकर पेमेंट करें। देखिए, यहाँ पर दो इशू हैं जो आप बात कर रहे हैं, उस पर दो इशू हैं। एक इशू वो है जो न्यू कनेक्शन चाहिए, एक वो इशू है कि इसको दोबारा रिस्टोर यानी तारें नहीं लगाई जाएँ। वो पीएमटी, क्योंकि आबादियाँ बढ़ी हैं तो जहाँ पर एक पीएमटी तो अब दूसरी पीएमटी की ज़रूरत है। तो उसमें दो इशू है, एक तो वो है जो पहली लाइट लगी हुई है जिनके मीटर लगे हुए होते हैं मगर हम पेमेंट नहीं करते हैं, हम बिल नहीं भरते हैं, सच्ची बात ये। तो उसमें कम से कम हम बिल भरें। इस तरीके से ये पूरे इस इलाके का ये प्रॉब्लम्स है। जल्द इन मामलों की हल्की उम्मीद रखी जाए, जो कि इंशाल्लाह बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है हसन पर विलेज और ये हल्का खासा बड़ा है, साजिद जोगी साहब का ये हल्का है और यहाँ के हवाले से शिकायत मौसूल हुई थी। हसन पर विलेज की सूरत हाल आपने देखी, उनका जवाब जोगी साहब ने दिया, जिनका ये कहना है कि ये सारे काम प्रोसेस में है, जल्द इसका रिजल्ट आ जाएगा और हम भी ये उम्मीद रखेंगे कि जल्द इसका रिजल्ट आ जाए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए एसएमएस भी कर सकते हैं और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।